हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी सीरीज का ये पार्ट 12 है। आज हम यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ शब्द, हो सकता है आपने इनको पहले ना देखा हो या सुना हो। देखेंगे इनका मतलब क्या होता है, समझेंगे कैसे यूज़ होते हैं हम समझेंगे, तो सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ ही जाती हैं अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपको इससे पहले के भी पार्ट्स देखने हैं, मतलब 11 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, तो यहाँ कॉर्नर में मैं आपको लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करिए, ताकि आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने पहले बता चुके हैं वो भी सारे समझ में आ जाएँ। तो चलिए देखते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज का पहला वर्ड क्या है? आज का पहला वर्ड है एक्वियस। ये एक वर्ब है। एक्वियस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। कि जब आप रिलक्टेंटली का मतलब क्या होगा कि बिना इच्छा के जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन उसमें कोई प्रोटेस्ट ना हो, आपकी इच्छा तो नहीं हो रही है उसको एक्सेप्ट करने की, लेकिन आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हो, उसको चुपचाप स्वीकार कर लें, वो क्या हो सकता है? जैसे किसी का डिसीजन हो, कोई आपको कहता हो, कोई ऑर्डर दे रहा हो कि जाओ ये करो, आपका करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बात मान लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, काम करते हैं। या फिर जैसे आपकी लाइफ को लेकर कोई डिसीजन लेता है, जैसे अगर आप बैंक की तैयारी नहीं करना चाहते हो, आपके घर में कोई हो जो कहे नहीं तुम बैंक की तैयारी करो, तुमको SSC की तैयारी नहीं करनी है, तुमको बैंक की ही तैयारी करनी है, तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अभी आप उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के जो भी एक्सेप्टेंस होती है जिसमें इच्छा तो नहीं होती है लेकिन आप प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं, उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, उसी को कहा जाता है एक्वियस। बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर्स टू बी ट्राइंग टू पुश यूरोप टू एक्वियस वाया इंटिमिडेशन इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन। अब यहाँ पे जो ट्रंप का प्रशासन है, आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके प्रशासन के ऊपर या फिर के सीधे सीधे ट्रंप के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है कि वो यूरोप को किसी चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं कि वो उसको स्वीकार कर ले। और ये जो पुश करना हुआ है ये इंटिमिडेशन के जरिए है, मतलब एक तरीके से डरा के धमका के, मतलब कुछ डरा धमका के ऐसा नहीं करोगे तो हम फिर देख लेना इसका बदला कैसे लेंगे, इसके इस तरह से उनको एक्सेप्ट करवा रहे हैं यूरोप को अपनी मांगों को या फिर जो भी वो चाहते हैं वो, कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन, बजाय इसके कि वो कोऑपरेशन के जरिए उनको समझा बुझा करके अपनी सही गलत बात बता करके मनवा करके वो डरा धमका करके यूरोप को एक्वियस करना चाह रहे हैं कि यूरोप जो भी वो चाहते हैं उसको एक्वियस करें, मतलब उसको चुपचाप स्वीकार कर ले। तो यहाँ पे एक्वियस देखिए कितने स्मार्टली यूज़ हुआ है, और अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे पूरा सेंटेंस क्या कन्वे करना चाह रहा है कि यूरोप क्या करना चाह रहा है। अगर आपको पता है एक्वियस का मतलब, यूरोप को कुछ चुपचाप बस कहा जा रहा है कि भैया तुम ये स्वीकार कर लो, इसमें ज़्यादा नानुकुर नहीं करने की ज़रूरत है, बस तुमको करना है, अगर नहीं किए तो उसके परिणाम तुमको भुगतने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्वियस। ओके, एक्वियस का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जोर इसमें आ रहा है, मतलब ज़बरदस्ती वाला सेंस इसमें आ रहा है। सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? मैं यहाँ पे सिनोनिम्स तो नहीं कहूँगा इनके, कहूँगा नियर सिनोनिम्स। जैसे एक्सीड, एक्सीड का भी मतलब क्या होता है? स्वीकार करना किसी बात को, डिसीजन को। एग्री का मतलब आपको पता ही है। एसेंट का मतलब होता है सहमति प्रदान करना, जब आप अपनी सहमति प्रदान करें किसी को भी, जैसे आपसे कोई कुछ पूछे मैं आपका ये ले लूँ, आप कहें हाँ ठीक है ले लो, आपसे कोई कुछ है मैं वहाँ जा सकता हूँ, आप कहें हाँ ठीक है, तो आपका असेंट है। असेंट का मतलब यहाँ पे कि आपने अपनी सहमति दी है। एंटोनिम इसका क्या हो सकता है? असेंट का ही ठीक उल्टा देखे, जैसे डिसेंट, डिसेंट का मतलब असहमति, सहमति का ठीक उल्टा, कि जब आप नकार दें किसी बात को कि ऐसा नहीं करना है या आपकी सहमति उसमें ना हो, तो ये आपके नियर सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्योंकि एक्वियस अपने आप में एक बहुत अच्छा शब्द है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व है, एसेंट में जरूरी नहीं, हो भी सकता है फोर्स इन्वॉल्व, नहीं भी हो सकता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है रिपेशियस। रिपेशियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और जिस व्यक्ति के लिए रिपेशियस इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लालची होगा, बहुत ही ज़्यादा वो अपने बारे में ही सोचने वाला, या फिर उसकी चाहत ही खत्म नहीं होती होगी, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा चीज़ें वो चाहता है, मतलब अगर उसको चार रोटी खानी है तो वो
40 रोटी का इंतजाम करेगा कि मुझे 40 रोटी चाहिए, तो इस तरह का जो व्यक्ति होगा उसको हम रेपेशियस कहेंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ हैविंग और शोइंग अ स्ट्रांग विश टू टेक थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यूजली यूजिंग अनफेयर मेथड ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ पे ये जो आपका इस्तेमाल हुआ है यहाँ से यहाँ तक के जो सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है, ये बता रहा है कि ये सेंटेंस एक नेगेटिव टोन का सेंटेंस है। मतलब कि आपको जो चाहिए, मतलब जो आप इच्छा कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि नहीं है लेकिन आपको चाहिए क्योंकि आपको पसंद है, या फिर आप चाह रहे हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए, फिर वो आप उसको हासिल करेंगे चाहे उसके लिए अनफेयर मेथड या फिर मतलब बेईमानी, चीटिंग, फोर्स कुछ भी इस्तेमाल करके आप उसको ले लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होगा रेपेशियस शब्द का, हिंदी में देखिए लालची लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यूज़ कैसे हुआ है, नाइजेरियन पॉलिटिशियंस आर नॉट मेरली रेपेशियस पॉलिटिकल एक्टर्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नाइजेरियन पॉलिटिशियंस हैं आर नॉट मेरली रेपेशियस पॉलिटिकल एक्टर्स, कि वो केवल, मेरली का मतलब सिर्फ से होता है, सिर्फ जो हिंदी में कहते हैं सिर्फ, तो वो सिर्फ रेपेशियस पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं हैं, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। कि मतलब ठीक है उनके यहाँ पे हो सकता है पैसों की कमी होगी, भुखमरी होगी, गरीबी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को बदला जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो केवल इस तरह के पॉलिटिकल एक्टर्स ही नहीं हैं। आपको पता है कि जब गरीब देश होता है तो उसके ऊपर दूसरे देशों के बहुत सारे इनडायरेक्ट अधिकार होते हैं या फिर कब्जे होते हैं, उनको दूसरे देश चला रहे होते हैं। अब कोई किसी से वो लोन लेगा, अगर अमेरिका से लोन लेगा तो अमेरिका की बातें उसको माननी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं वो इतने ज़्यादा लालची भी नहीं हैं। सिनोनिम देखिए इसका क्या हो सकता है, ग्रैस्पिंग, इसी तरह ग्रीडी, सबके मतलब लालची हैं। इसी में आगे देखिए एक और सिनोनिम है एवरीशियस। एवरीशियस का भी मतलब होता है धन लोलूप, जिसको पैसे की बहुत चाहत होती है, लालची व्यक्ति। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कविटस, इसको पढ़ेंगे अगर हिंदी में लिख दूँ कविटस। कविटस का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरे व्यक्ति के पास अगर कुछ है तो उसके लालच में रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास iPhone 7 है, 8 है, 10 है, आपके दोस्त के पास नहीं है और वो चाह रहा है कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, तो आपका दोस्त क्या होगा, कैवटस होगा। एंटोनिम्स देखिए इसके क्या हो सकते हैं, जेनरस, मैंने आपको पहले बताया था खुले दिल वाला, बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं दयालु हो, जिसके अंदर लालच ना हो, अपनी भी चीज़ें बांटता हो वो दूसरों में, तो ऐसे लोगों के लिए जेनरस शब्द का इस्तेमाल होता है। अगले वर्ड पे आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ऑब्जुगेट, इसको ऑब्जुगेट पढ़ेंगे, आर यहाँ पे साइलेंट रहता है। ऑब्जुगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिब्यूक सेवरली, मतलब जब आप किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर अपनी असहमति भी दर्ज कराते हैं। जैसे आपको कोई बात कोई बोलता है, आपको पसंद नहीं आती है उसकी बात या सलाह या आइडिया, तो आप अगर डांटते हैं उसको इस वजह से, तो ऑब्जुगेट करना, इसको कहेंगे कि आप उससे असहमत हो रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें मीनिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका शब्द है, लेकिन ये जो शब्द अपने आप में लिखा रहेगा ऑब्जुगेट, अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत बढ़िया शब्द होगा, और यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो आप सोचेंगे बहुत भारी भरकम इसका कुछ मतलब निकलेगा। अब देखिए यूज़ कैसे हो रहा है, ही ऑब्जुकेटेड हर फॉर लेटिंग द बॉय आउट ऑफ हर साइट, कि उसने मतलब किसी आदमी ने किसी औरत को डांटा या फिर फटकार लगाई, किस लिए, क्योंकि उस औरत ने, अब जो लड़का है उसको अपनी आँख के सामने से गायब होने दिया, या फिर वो देख नहीं पाई कि वो लड़का गया कहाँ, उसकी आँख के सामने से गायब हो गया, तो इसलिए उसने उसको डांटा। तो ऑब्जुकेटेड मतलब डांटने से, फटकारने से, बुरी तरीके से। सिनोनिम्स देखिए मैंने आपको ये सारे पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक पार्ट वन से लेकर के अभी तक जैसे मैंने बना दिए हैं 12 पार्ट, तो आप 11 पार्ट तक के वीडियोस देखे रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करता आ रहा हूं तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। जैसे कैस्टिगेट करना, या फिर चैसन, या फिर चेस्टाइज, स्कोल्ड, इन सबको मैं बता चुका हूं, सब का मतलब ही होता है डांटना, असहमति दर्ज कराना, बुरी तरीके से फटकारना, या फिर पनिशमेंट देना किसी गलती की वजह से, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखिए जैसे अप्रूव करना, मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना सहमति दर्ज कराना, अगर आप अप्रूव कर दें कह सकते हैं नियर सिनोनिम में। कॉम्प्लीमेंट करना, जैसे डांटने का उल्टा आप किसी को शाबाशी दे रहे हो, कह रहे हो अरे बहुत अच्छा काम किया, या फिर फ्लैटर करना मतलब चापलूसी करना, या फिर बहुत अत्यधिक तारीफ करना, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। अगले वर्ड पे हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मिनेजरी। मिनेजरी का मतलब क्या होगा, एक नाउन है, मिनेजरी इस्तेमाल होता है एक खास तरह के कह सकते हैं जगह के लिए, कि ऐसी जगह जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है, किस लिए,
यहाँ पे केवल जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जीबिशन, कि मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह के एनिमल्स भी हमारे यहाँ हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे आप चिड़ियाघर वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, आप देखते हैं। लेकिन एग्जीबिशन के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेटली भी अगर आप रखते हैं तो भी वो मिनेजरी ही कहलाएगा, ठीक है। आप कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को रखें, चाहे वो प्राइवेटली मतलब केवल अपने यूज़ के लिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए, तो उसको मिनेजरी कहेंगे। हिंदी में देखिए जंतु समूह या फिर पशु पक्षी संग्रह जिसको कहते हैं, ये इसका अर्थ निकलता है। देखिए यूज़ कैसे हुआ है। आई कैन नॉट सी वाट प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मेड जूलॉजिकल गार्डन्स मिनेजरीज एंड मिंक फार्म्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम दीज प्रोविजन्स। मतलब कोई बता रहा है, अपने व्यू बता रहा है कि मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि ये क्या लॉजिक या क्या रीजनिंग इन्होंने लगाई है कि जो जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, मिनेजरीज हैं, जो मिंक फार्म्स हैं। मिंक आपको पता है एक छोटा सा जानवर होता है मिंक, जिसका फर इस्तेमाल किया जाता है कोट वगैरह बनाने में, तो उसको मिंक कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना मुर्गी के पालन उद्योग होते हैं या फिर पालन केंद्र होते हैं, वैसे मिंक फार्म्स भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, मिनेजरीज हैं, मिंक फार्म्स हैं, इनको कैसे, ये जो अभी प्रोविजन्स लाए गए हैं, इनसे कैसे इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब इनको बाहर कैसे रखा गया है, क्या रीजनिंग लगाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप जूलॉजिकल गार्डन समझ सकते हैं, मिंक फार्म है, आपको मिंक नहीं भी पता होगा तो आप समझ जाएंगे अच्छा मिंक फार्म मतलब कोई जानवर से रिलेटेड होगा। लेकिन मिनेजरीज आप नहीं समझ पाएंगे, आप सोचेंगे किसी जानवर का नाम है क्या, नहीं। ये आप समझिए संग्रह होता है जो जंतुओं का, पशु पक्षियों का, और कई बार ये जो कह सकते हैं कीटाणु जीवाणु होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप कहीं देखें अगर, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, सेम आपका अर्थ निकलता है। अगले वर्ड पे हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या, मिलैंज। इसको मिलैंज पढ़ते हैं, ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है अ वेरीड मिक्सचर, मतलब ऐसा मिक्सचर या फिर मिश्रण जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिलावट, मतलब पूरी तरीके से मिक्सचर भी ना हो, अलग अलग चीज़ों की मिलावट हो। लिखा हुआ है जैसे अ मिक्सचर और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपुल। आप मिक्सचर कहिए या फिर कई सारे, कई तरह के चीज़ों का समूह या फिर कई तरह के लोगों का समूह, तो उसको मिलैंज कहते हैं, जैसे मिलावट या फिर मिश्रण हिंदी में, ठीक है। जैसे आपके ग्रुप में सारे दोस्त एक तरह के होंगे क्या सोच के, नहीं। कुछ होंगे जो बहुत अग्रेसिव होंगे, कुछ होंगे जो बहुत फनी होंगे, कुछ होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे। तो आपका ग्रुप भी कह सकते हैं एक तरीके से लोगों का क्या है, मिलैंज है, कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के वहाँ पे लोग हैं। देखिए लिखा हुआ जैसे यूज़ में, हिज आर्टिकल प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग मिलैंज ऑफ आइडियाज़, कि उसका जो आर्टिकल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलैंज किसका, आइडियाज़ का, मतलब विभिन्न तरह के विचारधाराओं विचारों का एक कह सकते हैं मिश्रण प्रस्तुत कर रहा है उसका आर्टिकल। तो और ये कैसा है मिश्रण, इंटरेस्टिंग है, मतलब जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं समझेंगे मिलैंज का मतलब क्या है, एक मिश्रण है आइडियाज़ का, मतलब केवल एक आइडिया उस आर्टिकल से निकल के नहीं आ रहा है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं। सिनोनिम्स देखिए, जैसे हॉज पॉज हम कहते हैं, मतलब एक दूसरे में ऐसे मिला देना कि उसको छांटना मुश्किल हो, मिक्सचर कह सकते हैं, मेडली कह सकते हैं, या फिर ब्लेंड करना, ब्लेंड करने का भी मतलब मिलाना एक दूसरे में। तो इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स इसका कुछ यहाँ पे नियर मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। वैसे आप कह सकते हैं इसे मिलाना या फिर मिक्सचर, सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बांटना, कह सकते हैं वो उसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो ये थे आज के पांच वर्ड, और ये जो पांच वर्ड थे ये मुझे मेल किया हुआ था, आप ही की तरह सब्सक्राइबर हैं उन्होंने, तो ऐसे भी आपके पास भी अगर कुछ बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट आपके पास हों वर्ड, तो आप मुझे मेल करना मत भूलिएगा। मेल आईडी आपको अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, smartstudy00@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं और सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा कि ये क्या है, वोकैबलरी है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, तो उसमें से मैं वर्ड छांट के आपको वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि मेरा यही प्रयास है कि आपको भी वोकैबलरी के अच्छे अच्छे शब्दों का ज्ञान हो, जिसका आप यूज़ कर सकें, मीनिंग समझ सकें। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लें इनका। पहला वर्ड क्या था, एक्वियस। एक्वियस का मतलब होता है चुपचाप स्वीकार करना बिना विरोध किए हुए। फिर दूसरा था रिपेशियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा लालची व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जुगेट का मतलब एकदम बुरी तरीके से डांटना फटकारना या फिर असहमत होना। मिनेजरी का मतलब आपको बताया, जंतु समूह या पशु पक्षी संग्रह हो सकता है।
और मिलायंज का मतलब मिलावट या फिर मिश्रण से, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वस्तु या फिर किसी भी चीज़ का मिक्सचर हो, लेकिन वो एक तरह की चीज़ें ना हो, अलग अलग हो, तो उसको मिलायंज कहेंगे। ओके, तो ये पांच वर्ड आपके थे। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।